नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और चलिए 150 गांव 150 खबर में खबरों को दिखाते हैं आपको फटाफट अंदाज में। सरवाड़ में दिव्यांग सेवा समिति का प्रथम स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दिव्यांगों ने बेजुबान पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए कई जगह परिंडे भी लगाए। ग्राम सांप्रोदा में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के तहत वैद्य केदारनाथ शर्मा और सरपंच सुप्यार देवी की मौजूदगी में 379 लोगों को टीके लगाए गए। पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव महेंद्र सिंह गुर्जर ने सांप्रोदा सहित आसपास के गांवों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बुराड़ा क्षेत्र में जिला परिषद सदस्य सुरज्ञान राम सिंह को जिला आयोजन समिति के सदस्य पद पर निर्विरोध निर्वाचित होने पर क्षेत्र में ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ी। ग्रामीणों ने हर्ष सुरज्ञान का माला और शॉल पहनाकर स्वागत किया। पालिका अध्यक्ष अनिता मेवाड़ा, पूर्व पालिका अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह मेवाड़ा का समाज सेवी सुनील कावड़िया और ग्रामीणों ने स्वागत सम्मान किया। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस ने प्रभात कुमार को भारी मात्रा में अफीम के पौधे के साथ गिरफ्तार किया है। सीकर के फतेहपुर में कैनरा बैंक के समीप बाजोरिया की कोठी में देर रात्रि तक रंगारंग फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गायक और कलाकारों ने फाल्गुनी गीतों की प्रस्तुति दी। सीकर जिले के खंडेला कस्बे के पुलिस चौकी परिसर में उपखंड अधिकारी राकेश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना टीकाकरण को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। सीकर के खाटू श्याम जी का वार्षिक लक्खी मेला आज से शुरू हो गया। 26 मार्च तक आयोजित होने वाले मेले में श्रद्धालुओं और भक्तों का आवागमन शुरू। सीकर जिले के निमका थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में 24 घंटे में ही सफलता प्राप्त की। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जालौर के रामसेन पीएचसी में मरीजों की रक्त जांच के लिए आपेश्वर ट्रस्ट द्वारा सीबीसी मशीन सौंपी गई। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने सीबीसी मशीन देने पर ट्रस्ट का आभार जताया। जालौर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के पंचायत समिति स्तर पर अधिकारियों के साथ बैठक की। आधार सीडिंग और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों में अधिक से अधिक पात्र लोगों को जोड़ने के बारे में चर्चा की गई। जालौर जिले में मौसमी बीमारियों को रोकने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद औषधालय और चिकित्सालयों में निःशुल्क पिलाया जा रहा है आयुर्वेदिक काढ़ा। जालौर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत पुलिस ने नाबालिग लड़की को परिजनों से मिलवाया। एसपी श्याम सिंह के निर्देश पर हुई कार्रवाई। रानीवाड़ा में एक शिक्षक को सेवानिवृत्त होने के 15 महीने बीत जाने के बाद भी पेंशन नहीं मिलने पर शिक्षक संघ के कर्मचारी शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बांसवाड़ा जिले के चिड़ियावासा गांव में 3 महीने पहले कार नदी में गिरने से 2 जनों की मौत के मामले में सदर पुलिस ने खुलासा किया। लूट के प्रयास के लिए किया गया था गाड़ी पर पथराव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा जिले के बड़लिया पंचायत में डीएम अंकित कुमार सिंह ने ग्रामीणों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और पंचायत को स्वच्छ बनाने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के मोरडी क्षेत्र में स्टेट बैंक में कैश नहीं होने से ग्रामीण परेशान हुए। इस ओर ध्यान देने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। बांसवाड़ा जिले के रोहिड़ा गांव में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने लिया भाग। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के नागदा बड़ी गांव में महिला का शव मिला, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलाड़ा कृषि मंडी परिसर में किसानों द्वारा लाए गए जीरे की 2 अलग अलग ढेरियों की नीलामी के दौरान आए भावों के अंतर को लेकर किसानों ने हंगामा किया और प्रदर्शन किया। बिलाड़ा क्षेत्र में अवैध बजरी खनन का कार्य जोरों पर है। रात को खनन माफिया कर रहे हैं बजरी का अवैध खनन। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में चल रही प्रक्रिया का अवलोकन करने एडीएम हाकम खान उपखंड क्षेत्र के होपारड़ी और मोखेरी गांव पहुंचे। गोपालगढ़ क्षेत्र की नाडसर ग्राम पंचायत के सरपंच राम भरोसी जलवाणिया का एक विवाह समारोह में आयोजकों ने शॉल उड़ाकर स्वागत किया। बालेसर पत्थर की खदानों में जाने वाली 10 किलोमीटर लंबी मुख्य सड़क के निर्माण कार्य का एनडीआरएफ नई दिल्ली की टीम ने किया निरीक्षण।
जोधपुर के फलौदी नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता को लेकर विधानसभा प्रत्याशी रहे महेश पन्नालाल व्यास ने सफाई कर्मियों के उपस्थित रजिस्टर चेक कर उन्हें उचित दिशा निर्देश दिए। जोधपुर के बाप स्थित गांव में पिछले 4 महीने से पानी की भारी किल्लत की वजह से ग्रामीण और पशु काफी परेशान हैं। मोहनगढ़ कस्बे की 108 एम्बुलेंस पुरानी होने के कारण बार बार खराब हो रही है, जिसके चलते मरीज खासे परेशान हो रहे हैं। भड़ियाणा ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ग्राम पंचायत ने चिन्हित कर थमाया नोटिस। सप्ताह भर में स्वेच्छा से अतिक्रमण नहीं हटाए तो ग्राम पंचायत बेदखली की कार्रवाई करेगी। लाठी कस्बे में स्थित राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशेष थानवी के नेतृत्व में 70 से अधिक लोगों के कोविड वैक्सीनेशन किया गया। राज्य के उच्च माध्यमिक महाविद्यालय फलसून में कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु आयुर्वेदिक काढ़ा विद्यार्थियों को पिलाया गया। रामगढ़ के निकटवर्ती गांव खुईयाला में एक घर के पास बने बाड़े में लगी आग की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। टोडा रायसिंह उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत लांबा कला के ग्राम बनेड़िया बुजुर्ग और बेरुपुरा में ग्राम पंचायत द्वारा बिना विकास कार्य के ही भुगतान उठाने का मामला जनसंपर्क पोर्टल पर दर्ज किया गया है। टोडा रायसिंह सेवा भारती महिला मंडल द्वारा बड़के बालाजी मंदिर पर फाग उत्सव का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाओं ने फाग गीत गाते हुए फूलों की होली खेली। टोडा रायसिंह उपखंड अधिकारी रूबी अंसार मुंडिया कला गांव में जनसुनवाई कर विभिन्न समस्याओं के निस्तारण हेतु मौके पर ही ब्लॉक अधिकारियों को निर्देशित किया गया। दुनी के गांधी ग्राम में एक पूर्व सरपंच रामकिशन फौजी के खेत में पड़ी सरसों की फसल को अज्ञात बदमाशों ने जलाकर राख कर दिया। पीड़ित किसान की शिकायत पर सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। रूपा हेलीकला में श्री चार भुजानाथ जी मंदिर के 21वें पटोत्सव पर ग्रामवासियों द्वारा जोरदार उत्सव के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी लड्डा की पुण्य स्मृति के प्रथम बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नगर पालिका चुनाव में वार्ड संख्या 8 के भाजपा उम्मीदवार महादेव जाट ने कांग्रेस की ममता कंवर को 21 मतों से मात दी। राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही नए बस स्टैंड पर इंदिरा रसोई योजना के कमरे में नगर पालिका ने कैमरे लगवाकर चालू कर दिया है। बांसूर के हरसौरा थाना अंतर्गत पिकअप और बोलेरो की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। नौगावां कस्बे के गौरव चौधरी ने टफ मैन की तरफ से हरियाणा चंडीगढ़ में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक जीता। तिजारा मौसम में परिवर्तन से दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। अस्पताल में 500 मरीजों की रोज हो रही है ओपीडी। 3 दिन बाद आज खुले बैंक थाना गाजी में पीएनबी में खाता धारकों की लगी भीड़। जिले के बघेल समाज द्वारा बघेल छात्रावास जीटी रोड धौलपुर पर मल्हार राव होलकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान फूल अर्पित कर महाराजा मल्हार राव जी को याद किया गया। राजकीय बालिका विद्यालय धौलपुर में जिला कलेक्टर की देखरेख में उड़ान प्रोजेक्ट के तहत 6 दिन का गैर आवासीय किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को लेकर कार्यक्रम आयोजित होगा। बसेड़ी तहसील में गांव जारगा निवासी दीपक शर्मा पुत्र रामपुर की एक्सीडेंट में मौत हो गई। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार पत्नी प्रीति शर्मा को 50,000 रुपये का राहत चेक दिया गया। बाड़ी सदर थाना पुलिस और आरएसी कमांडो टीम की संयुक्त कार्रवाई में आर्म्स एक्ट में इनामी बदमाश रिंकू खटाना को एक धारदार हथियार से गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर मंगल सिंह सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में अब डायलिसिस मशीन। गुर्दे की बीमारी से ग्रसित मरीजों की डायलिसिस के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। श्री मेवाड़ प्रजापत समाज वोराट चौखला के चुनाव अधिकारी प्रकाश प्रजापति के सानिध्य में हुए चुनाव में लक्ष्मण लाल खेलवा को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उमरवास पंचायत के रेबारियों की ढाणी में धन्नालाल रेबारी की मृत्यु होने पर एलआईसी प्रबंधक राकेश राजौरा और भगवती लाल रेबारी द्वारा परिजनों को 13 लाख रुपए का चेक सौंपा गया। नाथद्वारा शहर में कोरोना संक्रमण बेकाबू होने के बाद नगर पालिका टीम द्वारा बाजार में घूम घूमकर मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। विधानसभा राजसमंद उपचुनाव की घोषणा होने के बाद कानून और शांति व्यवस्था को लेकर कलेक्टर अरविंद पोस्टवाल और एसपी भुवन भूषण यादव ने अधिकारियों की विशेष बैठक ली। विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज और जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की।
जिला कलेक्ट्रेट में कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठक में ठोस कचरा निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ठोस और तरल कचरा प्रबंधन को लेकर पिपलांद्री में जिला परिषद सीईओ निमिषा गुप्ता और बीडीओ भुवनेश्वर सिंह चौहान ने पीले चावल देकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने के संदेश दिए। जिला परिषद में सेलागुड़ा सरपंच गंगा सिंह द्वारा विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन देकर जिला प्रमुख रतन देवी जाट ने समाधान को आश्वासन दिया। नगर परिषद राजसमंद में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र पुरोहित द्वारा पार्षद हिम्मत कुमावत को पार्षद दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया। बालीनगर में जैनाचार्यों का नगर प्रवेश धूमधाम से कराया गया। घोड़वाड़ आदिवासी संगठन बाली द्वारा महिला अधिकारी को जानकारी देने हेतु दो दिवसीय तृतीय महिला संगम संगठन का आयोजन किया गया। मानसिक संतुलन ठीक नहीं होने को लेकर अधेड़ व्यक्ति ने खेत पर अपने सोफे से फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। राष्ट्रवंदना संगठन के बैनर तले फालना में राष्ट्रवंदना के संयोजक राजेश भारद्वाज के नेतृत्व में छात्राओं को घरेलू सामान सहित स्वच्छता किट भी बांटे गए। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने ऑपरेशन धड़पकड़ के तहत फरार चल रहे स्थायी वारंटी सुमित शर्मा को गिरफ्तार किया। सामौत पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी कल्याण बावरिया को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से टोपीदार बंदूक बरामद की गई। अमरसर थाना इलाके के नायन गांव के जंगल में कुंचों में आग लग गई। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वनस्पति और कुंचे जलकर खाक हुए। विश्वकर्मा थाना पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 5200 रुपए बरामद किए गए हैं। आगामी 23 मार्च को किसान नेता राकेश टिकैत की होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों को लेकर चोमू नगर पालिका परिसर में संयुक्त किसान मोर्चा और जयपुर ग्रामीण की कार्यकर्ताओं ने किसान चौपाल का आयोजन किया। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र के चैनपुरा गांव में आज चोरों ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात स्थल पर परिवार वाले बाहर सो रहे थे। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन पर अवैध बजरी खनन और परिवहन पर कार्रवाई को लेकर श्यामोली बनास नदी में दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस कार्रवाई को देख बजरी माफिया फरार हो गए। खंडार उपखंड मुख्यालय पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को चुनावी वादे याद दिलाए और सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर नारेबाजी की। तहसील कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम तहसीलदार देवी सिंह को ज्ञापन भी सौंपते नजर आए। बौनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी रूप सिंह मीणा निवासी बड़ा गांव कहार को गिरफ्तार किया। खंडार उपखंड क्षेत्र में गर्मी शुरू होते ही सैकड़ों की संख्या में लोग परेशान हो रहे हैं और कई गांवों में जल संकट मंडराने लगा है। फागोत्सव शुरू होते ही चंग की थाप पर नृत्य मनोरंजन देखते ही बन रहा है। राजस्थान उत्सव समिति घड़साना द्वारा फागोत्सव नृत्य प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। वार्ड नंबर 15 में चोरों ने एक घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना के समय घर के लोग सो रहे थे। खड़ीक समाज की ओर से बेटी की बिंदौरी निकालकर शानदार पहल की गई है। घोड़ी पर बेटी की बिंदौरी निकालकर समाज में बेटा बेटी एक समान का संदेश देने की कोशिश की गई। गांव दो पीजीएम के पास आवारा पशु के आ जाने से कार अनियंत्रित होकर पलटी। चालक इलाज के दौरान मौत। गांव बुधरवाली की सहकारी समिति सोसाइटी में अध्यक्ष बालकरण सिंह बराड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। ज्यादा से ज्यादा संख्या में खाता खोलने की मांग की गई। तहसीलदार और पालिका ईओ के निर्देश पर पालिका कर्मचारियों ने बिना मास्क वालों के चलान काटे और 1800 रुपए वसूल किए। बरुधन तिराहे पर बीती रात कार ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार युवक की मौत हो गई। सिलौर ग्राम पंचायत क्षेत्र में इन दिनों वर्षों से खराब हैंडपंपों की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। डाबी वन क्षेत्र के कंवरपुरा में वन अधिकारियों ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की लेकिन मौके से खनन कार्य करने वाले फरार हो गए। गिंडौली थाना क्षेत्र के कुरेल नदी में अवैध बजरी परिवहन और खनन होने से ग्रामीणों में दिखी नाराजगी। पुलिस पर मिलीभगत का लगा आरोप। श्री श्याम मंदिर से खाटू श्याम के लिए श्री श्याम बाबा की पदयात्रा 101 निशान के साथ मंगलवार को बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ हुई रवाना। भरतपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कोटपुतली के ग्राम कल्याणपुरा कला और सुंदरपुरा की बेटियों ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है।
बगरू के ग्राम कलवाड़ा के राजकीय विद्यालय में मिडलाइफ और प्योर इंडिया ट्रस्ट के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। बगरू पुलिस और पुलिस मित्र टीम ने एक युवक का अंतिम संस्कार करके मानवता धर्म का पालन किया। दरअसल युवक के परिवार में दो बहनों के अलावा कोई और नहीं था। रैनवाल में कहीं भी निर्धारित पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहनों का सड़क पर जमावड़ा रहता है। दुकानों के आगे वाहन खड़े होने से बार बार जाम लग जाता है। नांगल तुलसीदास स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय में दिनों दिन गहराते जल संकट के चलते बच्चों को अपने बैग के साथ पानी की बोतल भी घर के साथ लानी पड़ी, जिसको लेकर बच्चों और अभिभावकों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश दिखाया। शाहपुरा थाना पुलिस की चीनी से भरे ट्रेलर की चोरी के मामले में शेष रहे चीनी के कट्टों को आरोपी की निशानदेही पर बरामद किया है। जोबनेर मेगा हाईवे पर स्थित बस्सी टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लगातार रात में भी किसान आंदोलन चल रहा है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लगातार खबरों का सिलसिला जारी।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और एक बार फिर से खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। दरा स्टेशन में फ्लाई एस और मिट्टी का ओवरलोड परिवहन करने वाले वाहनों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए दो वाहनों को जब्त किया। खजूरी ओदपुर में क्षेत्र में खुशहाली और शांति की कामना को लेकर इन दिनों प्रत्येक मंगलवार को हनुमान मंदिर परिसर में अखंड सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। सांगौद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधि मंडल ने जयपुर पहुंचकर कृषि मंडी और स्वायत्त शासन मंत्री से भेंट की और गत दिनों में बारिश से फसलों के हुए नुकसान को देखते हुए मुआवजे की मांग की। कनवास में उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली और कोविड-19 टीकाकरण को लेकर लोगों को जागरूक करने पर चर्चा की। किरोड़ निवासी जयप्रकाश शर्मा को विप्र फाउंडेशन का जिला महामंत्री मनोनीत किया गया है। बढ़िया का बास से मेहरादासी लिंक रोड के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री और उचित मापदंडों का पालन न करने के कारण मेहरादासी के ग्रामीणों ने सड़क का निर्माण कार्य रुकवाया। सेठवाली ढाणी में सैनी समाज संस्था के पूर्व अध्यक्ष वल्लभ राम तंवर की पौत्री की शादी की पूर्व संध्या पर परिवार वालों ने उसे घोड़ी पर बिठाकर डीजे के साथ दिनदौरे निकाली। बुढ़ानिया के सिद्धिदात्री शिव हनुमान मंदिर के द्वितीय पाठोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर बाबा चिरंजीवी दास सिद्धि समृद्धि पोस्टर लॉन्च किया गया। रावतभाटा में परमाणु बिजलीघर और एनएसजी सीआईएसएफ समेत अन्य एजेंसियों की संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित हुई। रावतभाटा में दीपपुरा घाटी पर भूसे से भरा ट्रक पलटने से यातायात बाधित हुआ। रावतभाटा में समर ब्रिज के आगे नदी में मिले शव की पहचान गांधी सागर निवासी अजय कीर के रूप में हुई। कोटा रावतभाटा मार्ग पर सड़क निर्माण को लेकर प्रदेश भाजपा और कोटा भाजपा पदाधिकारियों ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से चर्चा की। राणा प्रताप सागर बांध के जीर्णोद्धार के लिए करीब 44 करोड़ रुपए की राजस्व और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। उपखंड अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीणा और एबीईओ प्रथम भय सिंह मीणा के क्षेत्र में आधा दर्जन गांवों का दौरा कर लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया। बैंकों के निजीकरण और मर्जर को लेकर जारी देशव्यापी हड़ताल के चलते कस्बे में संचालित सभी बैंक बंद रहे दो दिन, जिससे कि काफी ज्यादा परेशानी हुई। सक्षम संस्था द्वारा अंधत्व मुक्त भारत अभियान के लिए नेत्रदान संकल्प जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंडौन के अपना घर आश्रम में रह रहे असहाय लावारिस और विबंधित लोगों के लिए हिंडौन के अस्पताल में बने टीकाकरण केंद्र पर कोरोना के बचाव के लिए टीकाकरण लगाया गया। मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत हिंडौन सदर थाना पुलिस ने 7 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सिरोही जिले के तलहटी में रक्त सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सिरोही जिले के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने सड़क का निरीक्षण किया। जिले के विभिन्न गांवों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित हुई। सदर थानाधिकारी देव सिंह ने ली बैठक। विधानसभा विष्णु कॉलोनी बाड़मेर के लोगों ने गौवंश को बचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है। बाड़मेर विधानसभा के महाबार निवासी मुल्तान सिंह राठौड़ को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के बाड़मेर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया। चौहटन विधानसभा क्षेत्र के 11 केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। चौहटन सीएचसी में महंत जगदीश पुरी ने कोविड वैक्सीनेशन लगवाया। बूढ़ा मलानी उपखंड मुख्यालय पर आमजन को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया आरओ प्लांट बदहाली के आंसू रो रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।